अगर आप किसी को बुला नहीं सकते तो समझ लें कि कायनात आपसे क्या कहना चाहती है। इलाही निशानियां। क्या आपने कभी किसी के साथ मजबूत नाकाबिले वजाहत कनेक्शन महसूस किया? ऐसा एहसास कि कायनात आपको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि कायनात हमारी रूह के साथियों की तरफ रहनुमाई के लिए निशानियां और इशारे भेजती है। जिससे ये जाहिर होता है कि हमारा मकसद कब किसी खास के साथ होना है। ये निशानियां लतीफ और खुफिया हैं, लेकिन जब हम इनको पहचानना सीखते हैं तो वो हमें बेहतर ताल्लुकात और अपने और दूसरों के साथ अपने रवाबित के बारे में गहरी समझ की तरफ ले जा सकते हैं। इस मजमून में हम अपने ताल्लुकात में कायनात के किरदार के दिलचस्प तस्वर को तलाश करेंगे। हम इन निशानियों का जायज़ा लेंगे जो कायनात किसी के साथ मजबूत ताल्लुक की निशानदेही करने के लिए भेज रही है। और हम इन अलामात की तशरीह और जवाब कैसे दे सकते हैं? लिहाजा चाहे आप फ़िलहाल रिश्ते में हैं या किसी रूहानी साथी की तलाश में, कनेक्शन के असरार को खोलने के लिए पढ़ें और दरियाफ़ करें, अगर आप किसी को भुला नहीं सकते तो कायनात आपसे क्या कहना चाहती है। कायनात के पुरइसरार तरीके आपको ये बताने के लिए हैं कि आपको किसी के साथ होना चाहिए। कायनात पुरइसरार तरीकों से काम करती है, अक्सर हमें लोगों से मिलवाती और उनके साथ तजर्बात की तरफ रहनुमाई करती है जिनका मकसद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। ये ख्याल किया जाता है कि कायनात हमसे इशारों के ज़रिए बातचीत करती है, हमें इशारे और पैगामात फराहम करती है ताकि हमें हमारी मंजिल की तरफ ले जा सके। जब बात ताल्लुकात की हो तो कायनात की मदाखलत ख़ास तौर पर ताकतवर हो सकती है। अगर आप किसी को भुला नहीं सकते तो समझ लें कि कायनात आपसे क्या कहना चाहती है। कायनात की पहली इलाही निशानी कनेक्शन। सबसे आम अलामतों में से एक कि कायनात आपसे क्या कहना चाहती है, किसी के साथ आपको देखना है, वो किसी मखसूस शख्स की तरफ नाकाबिले वजाहत खींचना या कशिश है। ये ताल्लुक़ महज जिस्मानी कशिश या सतही मुताबिकत से बालातर है। ये गहरा रूह की सतह का ताल्लुक है जिसे आप अपनी आंत में महसूस कर सकते हैं। आप अपने आप को उस शख्स की तरफ इस अंदाज में खींच सकते हैं जो मंतक और वजाहत से इनकार करता है। ये बदीही खींच अक्सर वाकफियत और सुकून के एहसास के साथ होती है। ऐसा लगता है जैसे आप उस शख्स को एक तवील अरसे से जानते हैं, चाहे आप अभी मिले हों। जब आप उनके आसपास होते हैं तो आप आसानी और समझबूझ का फौरी एहसास महसूस कर सकते हैं। ये मजबूत ताल्लुक इस बात का वाज़े इशारा है कि कायनात काम पर है, आपके रास्तों को सीध में ला रही है, आपको एक साथ ला रही है। अगर आप किसी को भुला नहीं सकते तो समझ लें कि कायनात आपसे क्या कहना चाहती है। कायनात की दूसरी इलाही निशानी सुकून का एहसास। जब आप उस शख्स के साथ होते हैं जो कायनात आपके साथ रहना चाहती है तो आप अक्सर सुकून के एहसास का तजर्बा करेंगे। उनकी मौजूदगी में सुकून और इत्मीनान का गहरा एहसास लाता है। आप महसूस कर सकते हैं कि जब आप इकट्ठे होते हैं तो सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है और ऐसा लगता है कि दुनिया ज़्यादा अमानी रखती है। सुकून का
अमन का ये एहसास एक ताकतवर इशारा है कि कायनात चाहती है कि आप उस शख्स के साथ रहें। ये इस बात की अलामत है कि आप सही रास्ते पर हैं, आप रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। इस एहसास की कदर करें और इस ताल्लुक की परवरिश करें जो आप बांटते हैं, क्योंकि ये कायनात का तोहफा है। कायनात की तीसरी इलाही निशानी, कनेक्शन और तकदीर के ख्वाब। हमारे ख्वाब कीमती बसीरत फराहम करते हैं हमारी लाशऊरी ख्वाहिशात और कायनात के कामों के लिए। अगर आप अपने आप को किसी के बारे में वाज़े ख्वाब देखते हुए पाते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे ख्वाब जो गहरे ताल्लुक़ या मुश्तरका तकदीर को ज़ाहिर करते हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि कायनात चाहती है कि आप उस शख्स के साथ रहें। कायनात के पैगामात के तौर पर इन ख्वाबों को गले लगाएं जो आपको उस शख्स के साथ अपने ताल्लुक की गहराई से समझने की तरफ रहनुमाई करते हैं। कायनात की चौथी इलाही निशानी, खुशी। जब कायनात चाहती है कि आप किसी के साथ रहें तो आप उनकी मौजूदगी में खुशी महसूस करते हैं। हिफाजत, ताल्लुक और मुकम्मल होने का एक गहरा एहसास जो वक्त और जगह की हदूद से मावरा है। ये एहसास अक्सर खुशी और मुसर्रत के गहरे एहसास के साथ होते हैं। खुशी का ये एहसास इस बात का मजबूत इशारा है कि कायनात आपके रास्तों को सीध में कर रही है। ये इस बात की अलामत है कि ये शख्स आपकी ज़िंदगी में बेपनाह खुशी और तकमील लाने की सलाहियत रखता है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करने, जो हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।